नमस्कार, अगर फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल टुडेज न्यूज में। मेरे साथ यानी कुमार अभिषेक के साथ और अगर फिर से हाजिर हम ब्रेक के बाद एक बेहद अहम न्यूज को लेकर के। दरअसल बॉक्स ऑफिस पर फिर से होने वाला है जोरदार धमाका। जी हाँ, 6 साल बाद दिखने वाली है संजय दत्त और अरशद वारसी की जोड़ी, जो बेहद ही खास होने वाला है। जी हाँ, संजय दत्त और अरशद वारसी की जोड़ी एक बार फिर से चर्चा में है। ये सुपरहिट जोड़ी बहुत जल्द बड़े पर्दे पर धमाका मचाने के लिए भी तैयार है। जी हाँ, आपको बता दें कि फिल्म मुन्ना भाई और उसके बाद लगे रहो मुन्ना भाई में मुन्ना और सर्किट की जोड़ी यानी कि संजय दत्त और अरशद वारसी की जोड़ी को काफी पसंद किया गया था। आज भी उन्हें याद किया जाता है। और 2 फिल्में रिलीज होने के बाद अब लोगों को मुन्ना भाई सीरीज के 3रे पार्ट का इंतजार भी है, लेकिन अभी तक फिल्म बनने को लेकर के कोई खबर सामने नहीं आई है। हाँ, ये जरूर तय हो गया है कि मुन्ना भाई के 3रे पार्ट से पहले ही संजय दत्त और अरशद वारसी की जोड़ी बड़े पर्दे पर दिखाई जरूर देने वाली है। खुद अरशद वारसी ने इस बात का ऐलान किया है कि दोनों एक्टर इस फिल्म में एक बार फिर से साथ नजर आने वाले हैं, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। इस फिल्म की शूटिंग हम अगले साल से शुरू कर देंगे और इस फिल्म की स्क्रिप्ट बहुत फनी है। ये फिल्म अगले साल मार्च अप्रैल तक फ्लोर पे आने की बात चल रही है, ऐसा उन्होंने कहा। हालांकि यह फिल्म मुन्ना भाई का सीक्वल नहीं है और यह संजय दत्त और अरशद वारसी का एक नया प्रोजेक्ट होने वाला है। दरअसल अरशद वारसी ने दिए अपने इंटरव्यू में कहा है कि इस फिल्म में संजय दत्त की भूमिका अंधे डॉन की होगी और मैं उनकी आंख बनते हुए नजर आऊंगा। साथ ही लोग ये नहीं पहचान पाएंगे कि वो अंधे है और मैं उसे डायरेक्ट करूंगा। वैसे ये सुनने मात्र से बड़ा ही फनी और इंटरेस्टिंग भी लग रहा है। वैसे आपको हम बताते चल दें कि संजय दत्त और अरशद वारसी की जोड़ी को मुन्ना भाई की फ्रेंचाइजी फिल्म में काफी पसंद किया गया और इस फिल्म का निर्देशन राजकुमार हिरानी ने किया था। इस फिल्म में संजय दत्त का किरदार मुन्ना भाई तो वहीं अरशद वारसी का रोल सर्किट का था। पहले काफी दिनों से मीडिया में ये खबर आ रही है कि मुन्ना भाई की अगली फ्रेंचाइजी बनने वाली है और दर्शक भी इसके लिए काफी उत्साहित है, लेकिन ये कब बनेगी इसको लेकर के किसी तरीके की कोई पक्की खबर अभी तक सामने नहीं आई है। इसके लिए हमें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। खैर, जो भी हो, बात अगर संजय दत्त और अरशद वारसी के नए प्रोजेक्ट की करें तो इसका नया नाम क्या होगा इसको लेकर के अरशद वारसी ने किसी तरीके की कोई जानकारी नहीं दी है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो संजय दत्त और अरशद वारसी की 6 साल के बाद बड़े पर्दे पर वापसी जरूर हो जाएगी। और वैसे आप इस फिल्म में संजय दत्त और अरशद वारसी की जोड़ी देखने के लिए कितने उत्सुक होंगे या आपके क्या विचार है, आप हमें जरूर शेयर करके बताएं कमेंट बॉक्स में। और लगातार जुड़े रहे, हम फिर से हाजिर होंगे ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।